बता दो मैं आपको। एक काम कीजिए, अभी उसका सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन इंस्टॉल करना बाद में कर लेंगे हम, ठीक है? पहले वीडियो पे फोकस करते हैं, वो तो बीच में भी करते रहेंगे हम, ठीक है ना? सबसे पहले आप सभी ये बताएं कि आपको अपना काम पता है कि आपको क्या करना है, आप किस लिए आए हो, ट्रेनिंग जो आप कर रहे हो किस लिए कर रहे हो? आप ट्रेनिंग कर रहे हो ना, तो ट्रेनिंग का पर्पस क्या है आपका? जो स्पर्ट्स हमारे कंप्यूटर रन कर रहे हैं सीखने के आगे तो वो वीडियोस जो है उसके थ्रू मतलब उसमें हेल्प करना है बस। किसको आप हेल्प करोगे, किस चीज़ किसको हेल्प करोगे आप, जो आप ट्रेनिंग करके जाओगे तो वहाँ पे जाने के बाद किसको हेल्प कर रहे हो आप? सबसे पहले पता ये होना चाहिए कि हम किसका हेल्प करेंगे। ये आपके पर्सनल के लिए नहीं है कि आपका नॉलेज, ये यहाँ से सीखने के बाद आपको खुद किसी और को सिखाना है, ठीक है? तो पर्पस यही है, हम आपको इसलिए ट्रेनिंग दे रहे हैं ताकि आप यहाँ से जाने के बाद अपनी जगहों पे जो आपकी साइट्स हैं या आपके जो एनजीओ हैं वहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं या और भी जो लोग हैं उनको आप कंप्यूटर की एजुकेशन दे सको, है ना? तो हम इसके लिए ये चीज़ दे रहे हैं। इसके लिए वीडियो डेवलप है, जो आपका मेन फोकस होगा, जो आप वर्क करेंगे वह वीडियो के द्वारा करेंगे। हम आपको इतना सिखाएंगे कि अगर आपके कंप्यूटर में कोई प्रॉब्लम आ रहा है, जैसे हार्डवेयर या विंडो इंस्टॉलेशन करना या सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना, हम आपको उन चीज़ों को बता देंगे। उसके बाद आपको हम सिखाएंगे कि वीडियो कैसे प्ले करना है, वीडियो को कैसे ऑपरेट करना है, कौन से क्वेश्चन पुटअप करने हैं, कहाँ पे, किस समय, ये सब चीज़ें हम आपको 8 दिन में कवर कराएंगे कि कौन से क्वेश्चन होंगे, कैसे पूछना है, स्टूडेंट को क्या प्रॉब्लम हो सकती है, ये सब कुछ हम आपको बताएंगे इन 8 दिनों में। ये ऐसे नहीं है कि हमने अपने मन से कुछ भी कर दिया हो, अपने मन से डिज़ाइन कर दिया, नहीं, हमने पिछले जब स्टार्ट किया था 2012 में तो हमने स्कूल में जाके साइट पे जाके विजिट किया, बच्चों को पढ़ाते थे, नर्सरी के बच्चों से हमने स्टार्ट किया था। तो नर्सरी के बच्चे जो होते हैं उनको आप समझ सकते हो कि अल्फ़ाबेट पता नहीं होता है, लेकिन उनको हमने कंप्यूटर चलाना सिखाया। तो उन सब चीज़ों को देखने के बाद हमने वीडियो डेवलप किया कि ये प्रॉब्लम हो सकती है, ये क्वेश्चन हो सकते हैं उनके, उनके सॉल्यूशन क्या होंगे, कैसे करेंगे, ये सब कुछ करने के बाद हम यहाँ तक पहुँचे। तो आपका जो बेसिक होगा, आपको बस वीडियो चलाना, अगर आपके लैब में कोई हार्डवेयर से रिलेटेड या सॉफ्टवेयर से कोई भी इशू आ गया, कंप्यूटर का कोई भी प्रॉब्लम आ गया, आप उसे ठीक कर सकते। हम आपको उन सब चीज़ों को बताएंगे कि आपको कौन कौन सी प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है? अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है जिसका सोल्यूशन आपको नहीं पता है, आपको जो हम मैनुअल्स देंगे उस पर, जैसे हमारा ईमेल आईडी है, जैसे हमारा कंप्यूटर शिक्षा का ईमेल आईडी है, उसका फेसबुक पेज है, कॉन्टैक्ट नंबर है कंप्यूटर शिक्षा का, इन तीनों चीज़ों के द्वारा आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। आप अपनी प्रॉब्लम को हमें बताओगे, हम उसका सोल्यूशन आपको फ़ोन पर बताएंगे, स्काइप पर भी है, हम स्काइप के थ्रू भी बता सकते हैं। अगर मान लीजिए विंडो इंस्टॉल कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं आप, नहीं हो रहा सोल्यूशन आपको, तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हो, उसका फोटो खींच के स्क्रीनशॉट लेके जो भी है, ठीक है? तो उनको देखने के बाद हम आपको उसका सोल्यूशन बता देंगे, तो आप उसको सॉल्व कर लोगे।
नहीं होगा फिर उसके लिए जो आपको सर ने बताया था कि कोई जो भी आपके नियर बाई में हार्डवेयर से रिलेटेड जो भी होगा उनसे हम बात करके बाकी देखेंगे आगे। तो इस तरीके से हम आगे इसको स्प्रेड करेंगे यानी कि फैलाएंगे कंप्यूटर एजुकेशन को। ठीक है, सबसे पहले हम वीडियो को देखेंगे। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वीडियो चलाने के लिए क्या क्या चीज़ होनी चाहिए। वीडियो ऐसे तो चलेगा नहीं कंप्यूटर के अंदर, लेकिन उसको चलाने के लिए क्या क्या चीज़ होना चाहिए। सबसे पहले आपके पास वीडियो होना चाहिए जो हमारा डेवलप किया हुआ है। उसके लिए VLC मीडिया प्लेयर आप विंडो मीडिया प्लेयर में चला सकते हो जो आपके विंडो का पार्ट होता है। पर VLC मीडिया प्लेयर क्यों दे रहे हैं, क्योंकि विंडो प्लेयर में कुछ ऐसे फंक्शन नहीं होते हैं जो VLC मीडिया प्लेयर में होते हैं, इसलिए हम आपको VLC मीडिया प्लेयर प्रोवाइड करते हैं। जैसे हम आप वीडियो आपको दिखाएंगे उसी की वीडियो के दिखाने के दौरान आपको सब कुछ वो फंक्शन के बारे में हम वहाँ पे आपको बता देंगे कि क्यों दे रहे हैं ये VLC मीडिया प्लेयर का सॉफ्टवेयर। अपाची ओपन ऑफिस का सॉफ्टवेयर हम इसलिए दे रहे हैं जब आप पेंट की बेसिक कोर्स को कम्प्लीट कर लोगे। आप सभी जब पेंट के बेसिक कोर्स को कम्प्लीट करा लेंगे उसके बाद आप अपाची ओपन ऑफिस को सिखाएंगे, वो MS ऑफिस की तरह ही है। ठीक है, उसमें एक आध ऑप्शन ऐसे होंगे जो मतलब MS ऑफिस से थोड़ा हटके होंगे, बाकी सब वैसे ही होंगे, तो इसलिए हम आपको अपाची ओपन ऑफिस देते हैं। तीसरा सॉफ्टवेयर Adobe Reader। अपाची ओपन ऑफिस का कोई कॉपीराइट प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं सर, उसका कोई कॉपीराइट प्रॉब्लम नहीं। तीसरा सॉफ्टवेयर Adobe Reader का है जो कि PDF के वर्क के लिए होता है। उसमें जो भी आप जैसे अगर MS ऑफिस जो MS वर्ड होता है उसके अंदर आप कोई भी फाइल या डॉक्यूमेंट बनाओ तो उसके अंदर आप दोबारा से रिलेट कर सकते हो। अगर PDF में डॉक्यूमेंट बना लोगे तो आप उसमें दोबारा से चेंज नहीं कर सकते हो। जैसे आपके पास नोटबुक है, कॉपी है ना, रजिस्टर, उसके अंदर लिखने के बाद दोबारा से लिख सकते हो, MS वर्ड में भी लिख लोगे आप। ओपन ऑफिस का जो पार्ट है टेक्स्ट डॉक्यूमेंट यानी राइटर एज ए MS वर्ड, उसके अंदर आप राइट कर सकते हो पर PDF में नहीं कर सकते हो, उसमें रिराइट कर। क्योंकि आजकल PDF में भी सॉफ्टवेयर आ गए जो कि हाँ एडिटिंग करते हैं। हाँ एडिटिंग करते हैं, बता उसको बता दीजिए लोगों को। अभी बता रहा हूँ, मैं उसी कह रहा था। PDF में आप एडिटिंग कर सकते हैं ऑनलाइन, सॉफ्टवेयर होना चाहिए आपके पास। अगर सॉफ्टवेयर नहीं है तो आप नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम वीडियो देखते हैं, क्लास 1 का वीडियो कैसे है, क्या चीज़ है उसके अंदर, उसके बाद धीरे धीरे हम कवर करते जाएंगे। तो सभी ध्यान से फोकस करें वीडियो पे। पेंट 1 विंडो XP और विंडो 7 दोनों में डेवलप है। ये हमारी टोटल 12 क्लास है। 12वीं क्लास आपका टेस्ट के लिए है, प्रैक्टिकल टेस्ट जो आप स्टूडेंट को कंडक्ट करेंगे। 11 क्लास तक आपको कोर्स है, 12वां आपका टेस्ट है। ठीक है, VLC मीडिया प्लेयर को चलाने के लिए आपको उस फाइल को सेलेक्ट करना होता है जिसे आप प्ले करना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए हमें क्लास 1 प्ले करना है, ठीक है, तो हमने क्लास 1 को सेलेक्ट किया, उसके बाद अपने माउस या टच पैड। अब देखिए क्या है हमारे पास अभी यहाँ पे कौन से कंप्यूटर है, डेस्कटॉप कंप्यूटर है। ठीक है, डेस्कटॉप कंप्यूटर अगर लैपटॉप है तो उसमें टच पैड होता है, माउस का भी उपयोग कर सकते हो आप, लेकिन उसमें क्या होता है टच पैड होता है। तो इसलिए माउस या टच पैड के राइट बटन को क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ से प्ले विथ VLC मीडिया प्लेयर को ले सकते हैं या फिर ओपन विथ, उसके बाद यहाँ पे VLC मीडिया प्लेयर। और भी जो आपके एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर होंगे उनके नीचे आएगा, उन पर हमें नहीं जाना है, हमें सिर्फ VLC मीडिया प्लेयर को फोकस करना है। इस पे क्लिक कर देंगे, हमारा क्लास 1 का वीडियो प्ले हो जाएगा। ये इसका क्वालिटी है, क्वालिटी मैं ठीक कर रहा हूँ। लैपटॉप देना, इसमें से ग्राफिक कार्ड्स का प्रॉब्लम लग रहा है। अंजना